रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 गुरुवार को रिलीज हो गई। उम्मीद के मुताबिक पहले दिन फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। रजनीकांत के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दक्षिण भारत में कई जगहों पर 2.0 का पहला शो सुबह 4 बजे शुरू हुआ। इस दौरान सिनेमाघरों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। दर्शक फिल्म के 3D वर्जन को देखना पसंद कर रहे हैं। फिल्म 2.0 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि 2.0 को उत्साहजनक रिस्पांस। इस प्यार के लिए सभी का धन्यवाद। 3D में इसका ग्रैंड अनुभव। उद्धरण। ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने बताया कि फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 20.25 करोड़ की कमाई की है। अगर सभी भाषाओं तमिल और तेलुगु के आंकड़ों को देखें तो रजनीकांत स्टारर इस फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ की कमाई कर ली है। बता दें कि 2.0 हिंदी तमिल और तेलुगु में रिलीज की गई है। इससे पहले आमिर खान की हाल ही में रिलीज हुई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ओपनिंग डे पर मॉर्निंग शो की बात करें तो उत्तर भारत में ऑक्यूपेंसी 40% रही। डब फिल्म के लिहाज से ये एक अच्छा आंकड़ा है। वहीं दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में फिल्म को 95% ऑक्यूपेंसी मिली। माना जा रहा है 2.0 कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये तो वीकेंडेज की कमाई का आंकड़ा है। निश्चित रूप से वीकेंड पर इसका कलेक्शन और बढ़ेगा। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी कई नए रिकॉर्ड बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओपनिंग के बाद इस फिल्म की कमाई कई नए रिकॉर्ड बना सकती है। कमाई के मामले में बाहुबली 2 अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म है। बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड 1810 करोड़ का कलेक्शन किया है।